यही समय है सफलता की दास्तान लिखने का, जो समय में अभी आप जी रहे हो। यही समय, 2-3 साल जो समय आप जी रहे हो, जो मेहनत कर रहे हैं ना, इसी के ऊपर आपका पूरा भविष्य, पूरा फ्यूचर है। एक दिन तो सभी को मरना है, लेकिन ये 2-3 साल आपका पूरा जीवन, आने वाले जीवन को जो है वो लिखेगा कि आप जीवन कैसे काटेंगे। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करूंगा और मैं बार बार बोलूंगा, जो भी कर रहे हैं ना 100% फोकस के साथ करिए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, 1 मई को शाम को 6 बजे से मैथ का बेसिक क्लास स्टार्ट हो रहा है। मैथ का यानी ए से जेड तक पढ़ाऊंगा हर एक चैप्टर, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो भी। अगर आपको मैथ का ए भी नहीं आता है ना, तो आप बोलेंगे भैया वो भी अप आ रहा है, नोट्स बस बनाते रहना आप सभी। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और अगर टेलीग्राम से आप सभी नहीं जुड़े हैं, तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ टेलीग्राम से आप सभी जुड़ जाना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर हर एक चीज़ का, PDF का हो, कुछ भी चीज़ का हो, वहाँ पर मैं अप टू डेट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना कर पाए हमारे द्वारा। और आज कवर करेंगे हम सभी 26 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ। उसके पहले बोलूँगा, आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करने के बाद जो है सक्सेस की 98 आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप अपने फ़ोन के ऊपर ही ना हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप किसी भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रेलवे का, बैंक का या फिर SSC का। अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाय करते हैं तो 1 साल के वैलिडिटी के साथ, यानी 1 साल तक आने वाले हर एक एग्ज़ाम का 20-25 सेट आपको दिया जाएगा, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आप तैयारी कर कैसे रहे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। पहला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने के प्रयास में नई दिल्ली में भारत की अमृत संस्कृति विरासत की राष्ट्र सूची का शुभारंभ जो है वो किसने किया है। यानी अमृत संस्कृति विरासत मतलब इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अब्बा कायरी जिनका COVID-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया है, वो किस देश के चीफ ऑफ स्टाफ थे, ये आपको बताना है। नाम बहुत पॉपुलर है अब्बा कायरी, और जितने भी पॉपुलर लोग की मृत्यु हो रही है COVID-19 के वजह से, मैं क्लास में चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि आप याद रखना, जितने भी एप्लीकेशन लॉन्च किए जा रहे हैं COVID-19 को लेकर, वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अब्बा कायरी जिनका COVID-19 कोरोना वायरस के वजह से निधन हो गया है, वो किस देश के जो है वो चीफ स्टाफ थे, तो वो थे आपके नाइजीरिया के। ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का पहला प्रश्न आप सभी का यहीं से निकल कर आ रहा है, नाइजीरिया के राष्ट्रपति का नाम आप सभी को बताना है, प्रेसिडेंट का, प्लस वहां का कैपिटल राजधानी, प्लस करेंसी वानी वहां का मुद्रा का नाम आपको कमेंट कर बताना है कमेंट बॉक्स में। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य के संस्थान ने COVID-19 मामलों की पुष्टि करने के लिए लगभग 1,000 रुपये की कम लागत पर केवल 2 घंटे में एक नैदानिक परीक्षण किट विकसित किया है। तो त्रिवेंद्रमपुरम का, यानी आप बोल सकते हो त्रिवेंद्रमपुरम का एक संस्था है जिसका नाम क्या है, श्री चित्रा त्रिनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा वो किट जो है वो रेडी किया गया। ये कहाँ पड़ता है आपका, केरला में। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और केरला के CM कौन है, पिनारायी विजयन। राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और कैपिटल तो आप बोलेंगे त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसका नाम नामित किया गया है, ये आप सभी को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी कोर्ट के जजेस को लेकर आता है ये भी। तो मुंबई हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस के लिए जिनका नाम नामित किया गया है, उनका नाम क्या है, दीपंकर दत्ता। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर आप सभी का डी।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र जो है स्थगित कर दिया गया है, वह किस देश में आयोजित होने वाला था, ये आप सभी को बताना है। यानी 44 सेशन जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के ऊपर यह पोस्टपोन कर दिया गया है। यह कहां पर होने वाला था, तो यह चीन में होने वाला था जहां से COVID-19 आया, वुहान सिटी से। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उस कंपनी का नाम बताना है जिसने COVID-19 स्वस्थ होने वाले मरीजों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो क्या बनाया है, एक प्लाज्मा बोट लॉन्च किया है। अब थोड़ा क्वेश्चन को मैं आप सभी को समझाऊंगा। अभी आप सभी को पता है कि COVID-19 को लेकर जो वैक्सीन है, जो टीका है, वो बना नहीं है, लेकिन भारत ने एक प्लाज्मा थेरेपी जो है वो लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या है, मान लो ना अगर 10 लोगों को COVID-19 है, कोरोना वायरस से संक्रमित है, और उसमें से मान लो 2 लोग ठीक हो गए दवाई वगैरह देने के बाद, तो उस लोगों का जो ब्लड है ना, वो जो मरीज है जो बच गए उनके अंदर दिया जाएगा ताकि वो भी जो है ठीक हो पाए, क्योंकि उनका ब्लड सही से काम कर रहा है, वो ठीक हो गए तो उनका ब्लड हो सके दूसरे में काम आ रहा है, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। तो ऐसा कौन संस्था है, अब देखो लोग बहुत जन क्या है आज के डेट में, लोग स्वार्थी हो गए, ठीक होने के बाद अपना ब्लड नहीं देना चाहते हैं, तो अब सरकार जो है फोर्स भी नहीं कर सकती कि नहीं आपको ब्लड देना ही है, आपको देना ही है। इसके लिए क्या है, अब सभी जो भी संस्थाएं, एक संस्था है जो लोगों को इनकरेज कर रहा है, जो प्रोत्साहित कर रहा है कि आप ब्लड दो, देना जरूरी है, क्योंकि मानव को ही बचाएगा, ठीक है। तो उसी के लिए प्लाज्मा दान करने के लिए ना कौन सा संस्था है जो प्लाज्मा बोट लॉन्च कर रहा है ताकि लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके, तो यह लॉन्च किया जा रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो आप सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, तो क्या बोल सकेंगे आप, दुनिया के आप अमीर व्यक्ति बिल गेट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और हाँ यहाँ पर बहुत जन बोलेंगे भैया जेफ बेजोस अमेज़न जो है वो अमीर है, नहीं अभी जो है वो आपके कौन हो गए, तो अभी हो गए आपके बिल गेट्स, इन दोनों के आगे पीछे लगा रहता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, COVID-19 मामलों की बढ़ती संख्या का दोहन करने के लिए टीके और ड्रग्स विकसित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो नीति आयोग के जो प्रोफेसर है ना विनोद पॉल, उन्हीं को बनाया गया है हेड, ऑप्शन नंबर आप क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाया गया है उसके प्रमुख किसे बनाया गया है, तो विनोद पॉल को, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, फिच सॉल्यूशन जो फिच रेटिंग है ना उनके अनुसार बड़े पैमाने पर आय की खपत और नुकसान में संकुचन के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत तक घटा दिया गया, कितना लगाया गया है, तो 1.8% तक। और इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं और दूंगा, विश्व बैंक के द्वारा इंडिया का जो ग्रोथ रेट बताया गया है 2020 और 21 के लिए वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1.5% से लेकर 2.8% तक, ठीक है। ये किसके अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार। अगर वहीं पर बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा इंडिया का विकास दर कितना अनुमान लगाया गया है, तो 1.9% IMF के अनुसार। तो ये IMF का है, ये विश्व बैंक का है, और फिच रेटिंग के अनुसार 1.8%। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोरोना वायरस पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब महामारी के प्रसार पर राज्य दर राज अपडेट लाने के लिए किस कंपनी के संस्थापकों ने एक COVID-19 ट्रेनिंग वेबसाइट लॉन्च किया है, और यह लॉन्च किया गया है इंस्टाग्राम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, इसके जो संस्थापक हैं उनके द्वारा। अच्छा सीईओ कौन है इंस्टाग्राम का, तो आप बोलेंगे केविन सिंस्ट्रॉम, ये जो है वो इंस्टाग्राम के सीईओ है। अच्छा कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम भी याद रखिएगा RT.live, ये वेबसाइट स्टार्ट किया गया है आपका इंस्टाग्राम के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस पैंडेमिक यानी महामारी से निपटने के लिए हेल्थ केयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, आयु के साथ जो है वो भागीदारी की है।
तो आयु एप्लीकेशन के साथ डील साइन किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा, तो राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। आप सभी को पता है कोई भी एप्लीकेशन आज की डेट में लॉन्च किया जा रहा है COVID-19 के लिए, तो उसमें वहां पर क्या हो सकता है, जानकारी, जागरूकता, अवेयर, लोगों को हर एक जानकारी दे पाए, प्लस आपके अगल बगल कौन संक्रमित है उसका पता लगाया जा सके। तो एप्लीकेशन आप अपने फोन में जरूर रखना, कोई भी रखो, ठीक है। और आयु जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है आपका राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा। और अगर बात करें राजस्थान की, तो कैपिटल क्या है आपका, जयपुर। वहाँ के राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्रा, और मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत। अगला प्रश्न हमारे सामने है, COVID-19 से मुकाबला करने और युक्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधनों से संबंधित आंकड़ों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई वेबसाइट का नाम बताना है आप सभी को, और उस नई वेबसाइट का नाम क्या है। आप सभी याद रखिएगा, gocoronago.covid.in आपके माइंड में आ रहा होगा, लेकिन ये वेबसाइट नहीं है। बहुत जन यहाँ पर डाउट रखेंगे, क्योंकि आप सभी को लग रहा है हर एक वेबसाइट का नाम तो भैया एक जैसा लग रहा है। उस वेबसाइट का नाम क्या है, covidwarrior.gov.in, ऑप्शन नंबर आपका सी। इसको अच्छे से आप सभी जो है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितने भी हेल्थ केयर है, जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर है जो लड़ रहे हैं, डॉक्टर, नर्स, वो सभी इससे जुड़े रहेंगे, ताकि वो जो जो कंडीशन फेस कर रहे हैं हर एक जानकारी यहां पर साझा करेंगे इस वेबसाइट पर, ठीक है। तो आप सभी खोल कर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जानकारी आपको यहां पर जो है वो मिलेगी। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि जेनी डिच, जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस प्रसिद्ध कार्टून शो के निर्देशक थे, या आपको बताना है यहां पर। तो वो थे आपके टॉम एंड जेरी। शायद ही कोई होगा बच्चा या कोई भी बड़ा बुजुर्ग जिनको इसके बारे में पता नहीं होगा, सबसे पॉपुलर कार्टून टॉम एंड जेरी, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड फेमस कार्टून है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 26 अप्रैल का। इसका पूरा PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है। और शाम को 6 बजे 1 मई याद रखिएगा लाइव क्लास, ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। चलिए।